राहुल ने सरकारी बंगला किया खाली, अधिकारियों को सौंपी चाबी। राहुल को बंगला खाली होने का क्यों है मलाल? सद नहीं तो फिर बंगले के कैसे हकदार? 19 साल के बाद अपने घर को खाली कर रहे हो? 19 साल के हिंदुस्तान की हिंदुस्तान मोबाइल किसका है? मोबाइल नीचे कर, पहले मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूं, जो भी कीमत है मैं चुकाता हूं। बंगला खाली होने से कांग्रेस क्यों है नाराज? अगले यहाँ घर खाली करने के बाद कौन जी और सोनिया गांधी के साथ हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल ने छोड़ा बंगला, 10 जनपद नया ठिकाना। ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, 22 साल में आया अब इतने छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने थोड़ी देर सत्य बोल रहे सत्यपाल या सत्य खोने का मलाल? तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने पार्क में खाने का इंतजाम किया। उन्होंने प्रेशर में कहा कि साल इलीगल है ही और यहाँ नहीं है, तो हमने कहा कि हमें ले चलो, तो वी हैव कोटेड अरेस्ट। पूर्व गवर्नर के बयान, क्या सियासत का चक्कर? हाँ, सीबीआई तो मैंने शिकायत की थी कि इन चीजों में करप्शन, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लेरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे भी बुलाया। सत्ता में रहकर क्यों नहीं उठाई सत्यपाल ने आवाज? ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तेरा सच मेरा सच में कौन सच्चा कौन झूठा? एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ धमकाओ मारो। क्या कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं सत्यपाल? वो हम पे असर नहीं करने वाला, हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के, हम जब चाहेंगे तो यहाँ खुरबूत कर लेंगे। सत्य का सवाल या सत्ता खोने का मलाल? और सच्चाई कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल, तो आज बात होगी सत्य की और असत्य की, सत्य की असत्य की और सियासत की लड़ाई की। दो मुद्दे हैं, एक तरफ राहुल गांधी का सांसदी जाने के बाद बंगले को खाली करना, कहते हैं सच बोलने की कीमत चुकाई, सच बोलने की कीमत चुकाई। सरकारी बंगला 12 तुगलक लैंड खाली करते समय राहुल गांधी बोले कि बंगला खाली करने के बाद, जब उन्होंने अपनी बात रखी मीडिया से, तब उन्होंने कहा कि मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है, मैं सच बोलने के लिए आगे भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। यह तो रहा पहला मसला बंगला खाली करने वाला, और बोले कि सच बोला इसलिए बंगला खाली हो गया। सांसदी गई, क्यों गई आप जानते हैं, तो क्या सच बोलने के चक्कर में सांसदी गई? जिस बयान को लेकर सवाल खड़े हुए। दूसरा मसला, गृहमंत्री अमित शाह का बयान, उस बयान का महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कई दिनों से सत्यपाल मलिक को लेकर, उनके बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक के आरोपों को लेकर अमित शाह ने अपनी बात को रखा,
बीजेपी के दिग्गज अमित शाह बोले, सत्ता में रहते हुए यह अंतरात्मा सत्यपाल मलिक की क्यों नहीं जागी? जब वो सत्ता में थे तब अंतरात्मा नहीं जागी। दरअसल अमित शाह एक न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम के दौरान अपनी बात को रख रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही कि सत्यपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान को लेकर कि बीजेपी से अलग होने के बाद ही उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आने लगी, उनकी आत्मा अमित शाह कह रहे हैं सत्यपाल मलिक को लेकर कि उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। दरअसल आप जानते हैं कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि केंद्र के ढुलमुल रवैये की वजह से पुलवामा त्रासदी हुई। एक इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद खड़ा हुआ पूरा बवाल। अब कांग्रेस इसे ही बहाना मार या फिर इससे सत्य मानकर आरोप लगा रही है कि इसी बयान की वजह से अब उन्हें सीबीआई ने तलब भी कर दिया। यानी मसला सच और सत्य के साथ साथ असत्य से जुड़ा है कि सत्यपाल मलिक जब सत्ता में थे तब उनको यह बयान क्यों नहीं याद आए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि सच बोला तभी बंगला खाली करना पड़ा। तो मसला सच का है, यह मसला सच का है, सत्य का है या फिर सत्ता खोने के मलाल का है? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और इसी पर होगी सवालों की बरसात। आज बात सत्य के सवाल की या सत्ता के खोने के मलाल की। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दो बयान सुनाते हैं। बयान बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी का और उनकी बहन प्रियंका गांधी का। क्या कुछ कहना है दोनों का? दोनों ही सत्य की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सच बोला तो बंगला खाली करना पड़ा। तो क्या वाकई में सच बोलने की कीमत बंगला है? देखिए जरा, जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता नहीं हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल राहुल जी, राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है, कई बार कहा। एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है? आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे एक महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था 19 साल में, मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक्सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। मुद्दा उठा रहे हैं, मैं उसको दुगना उठाऊंगा। और अगले घर खाली करने के बाद सोनिया गांधी के साथ तो सत्य का सवाल या फिर सत्ता खोने का मलाल। सीधा रुख कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। राकेश सिंह हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ पवन दीक्षित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ प्रीतपाल जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मनीष गुप्ता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन दीक्षित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी, मसला सत्य का सवाल है या फिर सत्ता खोने का मलाल है? सच बोलने की कीमत बंगला, तो राहुल गांधी सच बोल रहे थे मैं मान लूं? तिलक जी, सबसे पहले आपको और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों और दर्शकों को नमस्कार एवं ईद एवं भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई और मुबारकबाद सभी को।
जी देखिए, ये सत्य और असत्य की लड़ाई उसी तरह से है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समझने का फेर हो सकता है, कोई सत्य की लड़ाई समझ सकता है, कोई असत्य की लड़ाई समझ सकता है, ये राजनीति में चीजें होती हैं। हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं कि ये सत्य की लड़ाई है, ये देश के लिए लड़ाई है, देश के लोगों के लिए लड़ाई है। और क्या गलत है, विपक्षी सार्थक भूमिका क्या होती है दलित भाई? तो यानी राहुल गांधी को सच बोलना पड़ा तो इसलिए उनकी सदस्यता गई और बंगला खाली करना पड़ा, आप ये कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं सारी बात से। हाँ। जिस तरह से आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार और उसी तरह से विपक्ष, लोगों की आवाज उठाने वाला जो पक्ष है वही लड़ाई लड़ता है और वही अंजामों को भुगतता भी है। देखिए ये होता आया है, सब चीजें चलती आई हैं, चल रही हैं, हमें इस बात का कोई गम नहीं है। आज प्रियंका जी का भी आपने सुना होगा बयान, आपने कुछ चलाया नहीं, क्योंकि आपने ये कहा, आपने मतलब राहुल गांधी जी ने कहा कि सच बोला इसलिए बंगला खाली करना पड़ रहा है। अगर आप कहें कि 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दो तो मैं 30 सेकंड में खत्म कर देता हूं फिर उस बात को, या अगर मुझे थोड़ा एक दो मिनट का टाइम दे पाए एक भूमिका, क्योंकि आपने शुरुआत मुझसे की है तो मैं शायद उस बात को प्रॉपर कह पाऊं तिलक भाई। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी ने, देखिए टाइमिंग बहुत मैटर करती है तिलक भाई, हर चीज की टाइमिंग, सत्यपाल जी के केस में जो हम बाद में बात करेंगे या राहुल जी के केस में, हर चीज की टाइमिंग मैटर करती है। राहुल जी लगातार आवाज उठाते रहे, इस बात को पूरा देश इस बात को मानता है, जो भी इस चीज को समझता है कि एक व्यक्ति है पूरे देश में विपक्ष के रूप में जो पूरी तरह से लोगों की आवाज उठा रहा है और जो मोदी सरकार के खिलाफ उनकी गलत नीतियों को या गलत बातों को, एक अकेला व्यक्ति है। जी हाँ अच्छा। विपक्ष के रूप में एक अकेला व्यक्ति है, मैं बिल्कुल मुझे कोई गुरेज नहीं है विपक्ष के अन्य नेता जो है वो कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस मुखर तरीके से, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं या जिस तरह से उन बातों को सामने ला रहे हैं, विल बी नोटेड माय लॉर्ड, वो अकेले राहुल गांधी है। जी मैं प्रीतपाल जी को कुछ कह रहा था। जी उसके बाद में आज उनकी संसद सदस्यता जाती है या बंगला खाली कराया जाता है। देखो तिलक भाई सबसे बड़ी, ये 70 सालों पुराना देश है, देश आजादी के बाद आपने मुझे कहा कि मुझे पूरी भूमिका बांधने का मौका दीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने बार-बार सत्य की बात कही है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? देखिए ये अब मैं एक विधि का छात्र हूं और मैं इस बात को, अब चूंकि ये कानूनी रूप से एक कोर्ट में केस है, मैं इस बात को नहीं कहूंगा। सर वजह तो आप बता सकते हैं, कोर्ट में केस है ठीक है, वजह तो देश को बताइए ना कि वजह क्या थी। मैं बोल रहा हूँ सर, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन आया हम उससे मुतमईन नहीं है। इस तरह के, जिस तरह से मानहानि के केस में अधिकतम सजा हिस्ट्री में पहली बार, सर आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप खुद समझदार व्यक्ति, आप जाइए कोर्ट जाइए, कौन रोक रहा है आपको? ना तो राकेश ही रोक पाएंगे, ना प्रीतपाल जी, ना मैं रोक पाऊंगा। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि उनको सजा क्यों हुई, वजह क्या थी? कोर्ट में भी सजा इसलिए हुई और कोई वजह नहीं है। नहीं मानहानि का वो कौन सा केस था जिस वजह से उनको? कोई और वजह नहीं है, ना जाने हजारों केसेस हैं। यानी फिर मैं मान रहा हूं कि सत्य, अगर वो बोल रहे थे तो वो जो सत्य मंच पर बोला उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई, वो सच बोल रहे थे। मुझे ये बताइए, मैं सच बोल रहे थे, स्टडी कर चुका हूं, दुर्भाग्य से मुझे केस में जाने का मौका नहीं मिल पाया है। बहुत सारी चीजें जो हम कोर्ट में रखेंगे, मैं उन दलील को ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पहली बात, मानहानि का केस व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति के मानहानि होती है उसके लिए बोला जाता है। दूसरी बात, जिन्होंने केस किया है वो किसी पिछली जाति के नहीं है, वो सामान्य जाति के हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे, देखिए मैं, यानी राहुल गांधी सच बोल रहे थे मंच पर, आप ये कह रहे हैं? जी राहुल गांधी मंच पर सच बोल रहे थे? बिल्कुल। क्या बोला था उन्होंने मुझे बताइए, क्या लगाइए नारा, बोलिए आप। उन्होंने बोला था कि सारे चोर मोदी क्यों निकल रहे हैं, तो क्या गलत बोला था? क्या नीरव मोदी नहीं था? क्या ललित मोदी नहीं था? क्या और बहुत सारी चीजें जो होती जा रही है, उन्होंने बोला कि आप बहुत सारे निकालेंगे और भी निकल सकते हैं, तो क्या गलत बोला था? और ये एक पॉलिटिकल, मतलब कोर्ट ने गलत फैसला दिया। हाँ बिल्कुल, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। मनीष गुप्ता जी, हाथ खड़ा किया मनीष गुप्ता जी, पहले आप, फिर राकेश जी आपके पास, और फिर प्रीतपाल जी आपके पास। मनीष गुप्ता जी जल्दी से, वो ये कह रहे हैं कि हाँ सच बोला था। दो तीन बातें मैं कह रहा हूँ, अगर उन्हें लगता है कि राहुल जी ने सच बोला है तो ठीक है, यही बयान आप ऑफिशियली रिकॉर्ड करवाइए और बोलिए मैं भी ये मामला झेलने को तैयार हूँ, आपकी कानून का केस लड़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और कोर्ट में भी पता, कोर्ट को पता लग जाएगा आपके पास और बेहतर तरीके क्या है। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि मामला भी कोर्ट में है, ये सत्य नहीं है। मामला कोर्ट से खत्म हो चुका है, आपकी अपील डिसमिस हो चुकी है, यानी आप अभी सजायाफ्ता हैं। हाँ इतना फर्क है, आपके पास अपील का टाइम है,
अपील आप जो फाइल करेंगे तब मामला कोर्ट में पहुंचेगा। फिलहाल ये मामला किसी भी कोर्ट में नहीं है और सिर्फ सजा सस्पेंड है, और अगर सजा सस्पेंशन खत्म हो गई अपील के टाइम के बाद तो वहां मामला और आगे सीधा हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात मैं एक बात कहता हूं कि भैया ये पार्टी का मामला थोड़ा, ये राहुल गांधी का नहीं मामला, ये हम करके पार्टी को क्यों जोड़ रहे हैं इससे? क्या वो पार्टी का अध्यक्ष है क्या राहुल गांधी? नहीं है ना। तो आप, इसे निजी मामला है और राहुल गांधी जी, अब इनकी एक और बड़ी रोचक बात तिलक जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं सबसे अधिक सजा दी गई। अरे भाई, क्या कानून के किताब में जो सजा मुकर्रर है उससे ज्यादा दी गई क्या? नहीं, ये तो आप आर्थिक अपराध के मामले में जमानत में वहां भी कहेंगे हमें कम से कम। जल्दी से ओके मनीष जी, आपकी बात आ गई, फिर राकेश जी के पास जल्दी से जवाब दीजिए। जो बात मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो संविधान में है वो है, वो नया संविधान तो लिखा नहीं कांग्रेस ने कोई। मुझसे आपने कहा जी पवन जी, देखिए मनीष भाई अपनी जगह पे सही होंगे और मैं अपनी जगह पे सही हूँ। अपील का अधिकार जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और अभी को केस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं कर दिया कि ये केस नहीं बचा है, अपील का अधिकार होता है तो प्रोसीडिंग चल रही है, ये अब मनीष भाई को पता होगा। ठीक है, वो प्रोसीडिंग खत्म हो गई, आपकी अपील डिसमिस हो गई, कौन सी कोर्ट में चल रहा है? प्रोसीडिंग कौन सी कोर्ट में चल रही है? मैं बोलना जानता हूँ बहुत। कौन सी भाजपा प्रवक्ता के रूप में आप आइए, राजनीति पूछ रहा है, पहलुओं को पकड़ना है तो आप उस तरह से आइए। आप पूछ रहा हूँ सीट में पहुंचेगी, डिबेट को खराब करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी प्रोसीडिंग चल रही है? बकवास ना कीजिए, यहाँ पे बकवास कर रहे हैं आप, अकेले बोलिए। यहाँ पर डिबेट चल रही है, गंभीर डिबेट चल रही है, गंभीर गंभीर बात कीजिए, कोई बालक पने नहीं है। सकल से आप मुझे बच्चे नहीं लग रहे, सकल से आप मुझे बच्चे नहीं लग रहे, आप हैं बच्चे तो बोलिए मैं बच्चा हूँ। तब मैं आप उस तरीके से बात कीजिए, आप तरीके से बात करेंगे तो तरीके से जवाब मिलेगा, और इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो इस तरह की बात मिलेगी। मनीष जी प्लीज, व्यक्तिगत नहीं प्लीज। राकेश जी, राहुल गांधी सत्य की कीमत चुका रहे, सच बोलने की कीमत चुका रहे। पवन जी कह रहे हैं कि जो सच था वो बोला, इसलिए बंगला खाली करना पड़ा। नहीं, कांग्रेस के लोग जो दलील दे रहे हैं, क्या पहली घटना है? कम से कम 35-36 लोगों की इस प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है, तो कानूनी मसला है। और अगर ये माफी मांग लेते, देखिए टाइमिंग सही कहा कांग्रेस के मित्र ने हमारे, टाइमिंग की बात है, इस पर राजनीति करना चाहते हैं। और स्थिति यह है कि माफी क्यों नहीं मांगी इसके पहले? क्या कांग्रेस राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी क्या? सुप्रीम कोर्ट में लिखित बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, इसमें माफी मांग लेते तो कुछ नहीं होता। और अभी अभी सेशन कोर्ट में गए हैं, आप कह रहे हैं मोदी सरनेम जो है वो ओबीसी नहीं है, तो क्या सेशन कोर्ट में सुन लिया क्या? अभी अभी गए हैं ना। और आप क्यों नहीं हो, इतने बड़े बड़े वकील की पूरी दुरंधर वकील पवन खेड़ा के मामले में आपने पूरी फौज उतार दी और तुरंत फैसला ले लिया, आपने क्यों ऐसा किया? अरे आप माफी नहीं मांगे होते तो बताते कि हाँ मैं माफी नहीं मांगता हूँ। अरे आप चौकीदार चोर के स्टेटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त हुजूर माफ कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आपने कहा बिना शर्त माफी मांगी, माफी मांग लिए होते छोड़ जाते। लेकिन टाइमिंग है, आपको राजनीति करनी है, लेकिन लोगों को पता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, स्वाभाविक है, तो राजनीति करिए, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो क्या ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? इंदिरा गांधी की नहीं तिलक जी, इंदिरा गांधी की सदस्यता जा चुकी है, और इन्होंने फाड़ा था जो कानून जो मनमोहन सिंह सरकार में था, किस कौन सा था? अगर नहीं फाड़े होते कांग्रेस के मित्र हमारे तो आज ये बच जाते लाखों के साथ खड़े होते। तो ये बंगला खाली कर सत्ता खोने का मलाल है, आप ये कह रहे हैं मसला सत्ते का नहीं है? कुछ मसला सत्य नहीं, टाइमिंग है। अरे आप माफी मांग चुके हैं एक मामले में, इसमें भी मांग लेते कुछ नहीं होता। माफी मांगनी तो आदत है इन सब की, कि आरोप लगाएंगे और कोर्ट में माफी मांग लेंगे, यही हाल आम आदमी पार्टी का है। इन लोगों ने केजरीवाल ने
अदालत में माफी मांगी, पहले आरोप लगाया गडकरी जी के ऊपर, कुछ और माफ कर दीजिए पवन जी, जल्दी से प्लीज जवाब दीजिए, मजीठिया के ऊपर आरोप लगाया माफ कर दीजिए, तो माफी मांग लेते खत्म हो जाता। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मसला घर का नहीं है, ये पढ़ लिया हो तो मैं हटा देता हूं। ये देश के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर राहुल जी के घर है, घर मसला घर का नहीं है। अभी राकेश जी अपना एक पोस्टर लगा देंगे घर के बाहर कि ये घर मोदी जी का है, फिर मैंने बोल दिया मेरा घर, आज बोलो आज रजिस्ट्री कर दूंगा मैं राहुल जी के नाम से। नहीं नहीं, आप कह रहे हो ना कि ये मेरा घर जो है पोस्टर दिखा के कि ये राहुल गांधी जी का है, तो ऐसे अभी राकेश जी दिखा देंगे पोस्टर कि ये मेरा घर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, फिर मेरे भाई साहब मेरी सुन तो लेंगे आप। मैंने बोला कि मसला घर का नहीं है, देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के घर भी राहुल जी के घर है। जिस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि हम ये सब टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी मेरे बड़े भाई जैसे हैं राकेश जी, उन्होंने खुद अभी बात बोली कि कांग्रेस को माफी मांगने के आया था तो माफी मांगते हैं, राहुल जी राकेश जी नहीं मांगी तो वो कह रहे फिर आरोपी पाल जी आपके पास। ये तो दोनों ड्यूएल बात बोल दी राकेश जी ने। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, राकेश जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, हमारे ने राकेश जी ने कि 35-36 केसों में हो चुके हैं भैया, किस किस के में, दो साल की सजा हुई है, 15 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 3 महीने माफी जुर्माना, राकेश जी जवाब दीजिए प्लीज हुई है, और 1 महीने के अंदर अंदर सारे जजमेंट आ गया है जो कि 5 साल से कोर्ट में पड़ा हुआ था। ओके ओके राकेश जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, कोर्ट में लेकर के ओके पवन जी, 1 मिनट में अभी प्रीतपाल जी के पास भी नहीं गया, 1 मिनट प्लीज राकेश जी प्लीज जल्दी से। नहीं, एक साफ बात है, इस मामले में माफी अगर आप न मांगे होते तो स्टैंड आपका माना जाता कि हाँ आप माफी नहीं मांगेंगे तो सही बात। इससे पहले चौकीदार चोर का स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, मांगी थी कि नहीं राहुल गांधी ने माफी, बताइए कांग्रेस के मित्र हमारे, मांगी थी कि नहीं मांगी थी, इसमें कहां से शहीद हो रहे हैं, मांगी थी ना, स्वीकार कर गया। मैं बोलूं क्या जी पवन जी प्लीज जल्दी से। देखिए राकेश भाई, हर केस में अलग बातें होती हैं, राहुल जी ने जब माफी मांगी ठीक है साहब मैं माफी मांगता हूं, ये गलत बोल दिया मैंने, मजाक में बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। आज उन्होंने कहा कि मैंने चोर लोगों को बोला और मैं इसलिए माफी नहीं मांगूंगा, ललित मोदी के मामले में माफी नहीं मांगूंगा, नीरव मोदी के मामले में माफी नहीं मांगूंगा, तो क्या गलत बोला उन्होंने। और रही बात हमारी न्यायपालिका की, हमें पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, देखिए मेन मसला ये है कि आज जो राजनीति का विद्रोह रूप तिलक भाई हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले ये सब विपक्ष नहीं हुआ करता था। मुझे वो समय भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेंडमेंट करके नरसिम्हा राव जी और गुजराल जी के स्टाफ की टीन्योर बढ़ा दी थी कि जब तक आपको जरूरत है तब तक रख सकते, जबकि 5 साल रख सकते थे। क्या आज बंगलों में अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी नहीं रह रहे, क्या हाँ सर मसला बंगला, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल प्रीतपाल जी, अब प्रीतपाल जी का ऑडियो रहेगा, एक आरव मनीषी आपके पास, प्रीतपाल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्रीतपाल जी। जी 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 जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, जो बात पवन जी ने कही कि लड़ाई सत्य की लड़ाई है जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इस वजह से उनको परेशान किया जा रहा है, और इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा एक लौता विपक्ष, एक अकेले राहुल गांधी हैं जो सीधा सरकार से टक्कर ले रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया। तिलक जी मेरी पहली प्रतिक्रिया है, अडानी अंबानी भाई भाई, देश के खाई मलाई, सब सारी बातें सारी औरा जो है वो अडानी और अंबानी के आसपास, मोदी जी के आसपास घूम रहा है, पूरा देश जानता है, जहां पे पूरे गर्व के साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहां तिरंगा लहराया जाता है उसको भी देश के प्रधान सेवक ने गिरवी रख दिया यानी बेच दिया, देश की जितनी संस्थाएं थी सब वो बेच चुके हैं। इसकी आवाज अगर बनता है विपक्ष, मैं खाली कांग्रेस को नहीं बोल रहा, आम आदमी पार्टी को नहीं बोल रहा, सारा विपक्ष इस बात को उठाता है कि अडानी अंबानी भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते प्रीतपाल जी, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का और प्रीतपाल जी लगता है। प्रीतपाल जी आप कह रहे हैं कि सारी संस्थाओं को खरीद लिया, तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आज ही तिलक जी, आज की बात मैं बताऊं, माननीय सांसद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको भी शराब मामले के घोटाले में घसीटा गया, मानहानि के नोटिस माननीय सांसद संजय सिंह ने सीबीआई के जितने पदाधिकारी अधिकारियों को लिखी है
और 24 घंटे का टाइम दिया इस नोटिस का जवाब आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो भगत सिंह वाली पार्टी से हैं, तुम्हारे ऊपर आप लोग तो डरेंगे नहीं ना, आप तो भगत सिंह की पार्टी से हैं। नहीं नहीं क्यों डरेंगे सर, डरिए मत, क्यों डरेंगे? हम तो गांधी को मानने वाले हैं, भगत सिंह नहीं, आप भगत सिंह को याद करिए, चंद्रशेखर को याद करिए, उसको मानने वाले, अशफाक खान को मानने वाले। एक मिनट सर, सर भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, ये कभी शराब नीति या फिर हवाला के मामले में जेल में नहीं गए थे, मालूम है ना आपको? तो क्यों भेजा? क्या आप मानते हैं कि दिल्ली की शराब नीति सही है? सर आप अगर कह रहे हैं तो आपने वापस ली ना, अब वो विषय नहीं है, आपने वापस ली, बात खत्म हुई, आपने वापस ली, बात खत्म हुई। अगर आपकी नजर में एक के साथ एक चाहिए तो करिए सर, मैंने मना नहीं किया, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा। मसला सत्य की लड़ाई का है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए चाहे राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये मायने नहीं रखता। मायने हमारा देश रखता है, हमारा संविधान रखता है, हमारा तिरंगा रखता है। अगर सभी लोग इस बात को इंकित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अडानी प्रेम में देश को बेचने के लिए लगे हुए हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक मनीष गुप्ता जी, सीमा में पहुंचाने का जवाब दे रहे हैं। ओके मनीष गुप्ता जी, जल्दी से। सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा जो तीन राज्यों के राज्यपाल हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बिठाया, उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने यहां तक क्या कहा कि पुलवामा में जो हमारे शहीदों की हत्याएं की गई थी उसमें भी केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती थी, जिसको उन्होंने चुनाव में भुनाया और जीत कर 2019 में आए। अब 2024 करीब है, जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है, इनके झूठ को समझ चुकी है। जो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की ओर उंगली उठाएगा वो जेल में जाएगा। अभी गुप्ता जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, कि अभी तुम बोलो तुम्हारे पे भी मुकदमा कर देंगे, किसी के बाप का देश है क्या है? ये संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों पे नहीं चलेगा। आप प्रीतपाल जी जवाब ले लीजिए ना, मनीष गुप्ता जी अपनी बात रख रहे हैं, प्लीज जल्दी से मनीष गुप्ता जी। अभी जैसे ही अजय माधव जी का स्टेटमेंट आया, अजय माधव जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने केजरीवाल को कंडेम किया। जैसे ही उन्होंने केजरीवाल को कंडेम किया, आम आदमी पार्टी बिफर गई। अब आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों ही मोदी जी पर अटैक करना चाहते हैं। अच्छी बात है, राजनीति करना चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है ये एक दूसरे का समर्थन नहीं करना चाहते। इसलिए प्रीतपाल जी जब भी बात कर रहे हैं आप राहुल गांधी पर खींच के ले जा रहे हैं, वो वापस केजरीवाल संजय सिंह पर पहुंच रहे हैं। तो आज की प्रीतपाल जी कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, राहुल गांधी राहुल गांधी के समर्थन और राहुल गांधी के विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये स्वर्ग में लटके हुए हैं, ना स्वर्ग में है ना नरक में, बीच में लटके हुए हैं, इनकी तो परेशानी है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से एक बात कह रहा हूं, अभी इन्होंने पोस्टर दिखाया और कहा है मेरा घर राहुल गांधी का घर। मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे ये फीलिंग बड़ी अच्छी लगती जब कोई कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति इतना समर्पण दिखाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन ऐसे कार्यकर्ताओं को यह भी पता होना चाहिए कि इन्हीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के से 90 करोड़ रुपए लोन दिया, जिसमें राहुल गांधी ने राहुल गांधी को लोन दिया, राहुल गांधी ने राहुल गांधी का लोन सैंक्शन किया, मोतीलाल वोरा ने राहुल गांधी का लोन सैंक्शन किया और वो पैसे देके उसी पैसे को माफ कर दिया। तो ऐसे करके इनका घर भी कहीं ना चला जाए, उन्होंने डायरेक्ट राहुल गांधी को दे दो भाई, कांग्रेस पार्टी को देंगे तो घूम घाम के पहुंचेगा राहुल गांधी के पास। मुकदमा चल रहा है, ये विषय वही आ गया। एक मिनट मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन लाइव में एक कमेंट आ गया जो बात आप कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पवन दीक्षित जी अभी आपने पोस्टर दिखाया, कोई होगा आपका शुभचिंतक पवन जी, वो कह रहे हैं आपने पोस्टर दिखाया कि एक आपका घर राहुल गांधी का घर है, मैं आपको चुनौती देता हूं कि कल आप रजिस्ट्री करवाइए राहुल गांधी के नाम पर अपने घर की। मैं बोलूं, कोई आपका शुभचिंतक ही है, कह रहे रजिस्ट्री करवा दो राहुल गांधी के नाम पर, मैं मानूंगा। पवन जी तिलक भाई, जिस दिन ये केस हुआ था ना, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शायद मैं ये मुहिम शुरू भी नहीं हुई थी और मैं पहले गिने चुने चुनिंदा लोगों में था। ट्वीट चेक कर लीजिएगा आप मेरा, जो मैंने दिल से ये बात बोली थी कि भैया ये आपका घर है, आप जब चाहे इसमें रहे, जब तक चाहे इसमें रहे, ये आपके लिए है,
आप जैसे बोले, मतलब जो भी कुछ मुझे कहना था, और नहीं नहीं पवन भाई प्यार में से तुमको कोई, अब मैं आपको बोलूं आप मेरे को नहीं बोलोगे, तिलक भाई आओ ये घर आप ही का है, क्या दिक्कत है? देखिए तिलक भाई मेरे भाई हैं, राहुल जी मेरे नेता हैं, मम्मी जी नहीं करेंगे, मेरे पास देश का सबसे बड़ा बंगला उसमें रह लो। नहीं प्लीज व्यक्तिगत, ये ऐसे व्यक्तिगत नहीं। मनीष जी प्लीज, मैं ब्रेक के उस पार, क्योंकि मसला सत्यपाल मलिक से भी जुड़ा हुआ है, जो बात प्रीतपाल जी ने कही। ब्रेक ले रहे हैं, सत्य का सवाल या सत्ता खोने का मलाल, जल्द हाजिर हो। सत्य का सवाल या सत्ता खोने का मलाल, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे। ये जो मसला है राकेश जी, सत्य का कहा जा रहा है, पवन दीक्षित ने कहा मसला सत्य का ही, सत्य की लड़ाई का है। ये क्योंकि मसला एक सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, सत्य है असत्य है वो जांच का विषय है। दूसरा मसला सत्यपाल मलिक से जुड़ा हुआ है, और आज आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक, देश के गृहमंत्री और आपकी संगठन की कमान संभाल चुके बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अमित शाह जी ने कहा कि सत्यपाल मलिक जब वो सत्ता में थे, पद पर थे, तब क्यों नहीं कुछ बोले, आज क्यों बोले? उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, उसी से मेरा जुड़ा सवाल है, सत्यपाल सत्य है या फिर असत्य? देखिए एक तो दोनों मामले, राहुल गांधी का हो सत्यपाल मलिक का हो, ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो पहले का उत्तर, उसके पहले हमारे मित्र कांग्रेस के नेता भी कह चुके हैं, हम कह रहे हैं कांग्रेस के और भी नेता अयोग्य घोषित हुए हैं, प्रदीप चौधरी घोषित हुए हैं, रफीक मसूद अयोग्य घोषित हुए हैं सजा के बाद, करप्शन के बाद, और बंधु तिर्की, इन सबको नाम नोट कर लीजिए कांग्रेस के हमारे मित्र महोदय। राहुल गांधी में क्या खास है जो पूरी कांग्रेस पार्टी आ जाती है सड़क पर और लगता है कि हमारा घर है तुम्हारा घर है? अरे रफीक मसूद आपके कार्यकर्ता नहीं थे, प्रदीप चौधरी हरियाणा के विधायक आपके कार्यकर्ता नहीं थे, बंधु तिर्की आपके कार्यकर्ता नहीं थे, उन सब के लिए सदस्यता गई है। यही है कि आप एक परिवार के, और ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कांग्रेस के हमारे मित्र कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की दरबारी बन गई है। और दूसरी बात, माननीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया, ये सारी चीजें अंतरात्मा जनती की ओर, आप उस समय जिस समय हमला हुआ था सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, और उसके पहले के उनके बयान, उसके बाद 370 हजने के बाद 35 उनके बयान को आप देखिए, आज अंतरात्मा कहां से जग गई? तो राजनीतिक कार्यकर्ता उनको अगर हटा दिया गया तो उनकी अंतरात्मा जग गई, कैसे जग जाती है इसकी? और उस समय उनको जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना चाहिए था। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सीधे रिपोर्ट करती, उनके अंदर में होती है, उस समय कोई मुख्यमंत्री। अच्छा मुझे एक बात बताइए राकेश जी, आप वो कह रहे हैं असत्य बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक असत्य बोल रहे हैं, ठीक? सत्यपाल मलिक एक राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत पुराने थे, 20 नाम आप गिन लीजिए सारे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो फिर एक मिनट, आप ही की बात कह रहा हूँ मैं, ये उसमें नहीं जा रहा कि वो तलाश रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, अभी विषय वो नहीं है। एक मिनट राकेश, ये स्थिति पहली बार सत्यपाल मलिक के साथ नहीं आई। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक मिनट मैं फिर ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी अंतरात्मा तब क्यों नहीं जागी जब वो पद पर थे, तो फिर तो राष्ट्रों का मुकदमा बनता है, तो अब तक क्यों नहीं किया आपने? उन्होंने जो जो आरोप लगाए, जो नोटिस भी मिला है, उनके आरोप के बाद उनसे पूछ, अब आज वो धरने में बैठे, उनको कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अब राजनीति देखिए कैसे अंदर से निकल के आती है कि जब आप कुर्सी से चले जाते हैं, अब पुलिस कह रही है आपको गिरफ्तार नहीं, सीबीआई कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं, गिरे के बैठे हैं, लेकिन उनको अभी कुर्सी की इच्छा है, वो चाहते हैं कि कुर्सी उनको नहीं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ना उन पर, क्यों नहीं करा? वो सारी व्यवस्था के बाद देखिए, ये संविधान ये कांग्रेस की पार्टी का सरकार नहीं है, ये सारी चीजें व्यवस्था के अंतर्गत होगी, ये नहीं हो सकता कि राहुल गांधी को न्यायालय ने सजा दे दी तो उनके लिए अलग कानून बना दिया। प्रीतपाल जी एक मिनट पवन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रीतपाल जी आपने ये कहा कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो सच कहा, मुझे मालूम नहीं कि आपको भी आके बताया हो या हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, जब वो पद पर थे तब क्यों ये बात नहीं बोली उन्होंने?
और अगर उनकी बात सच है, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी बात सच है, तो फिर इसका मतलब कुमार विश्वास की बात भी सच होगी कि नहीं? तो फिर एक मिनट, तो फिर इसका मतलब आशुतोष जी की बात भी सही होगी और योगेंद्र यादव की बात भी सच होगी जो केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा। तिलक जी, सत्यपाल मलिक जी और कुमार विश्वास को आप जहां जोड़ रहे हैं, कुमार विश्वास का वो वीडियो भी देश में देखा था जब एक मीडिया के बंधु ने पूछा था क्या ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, ये तो राजनीतिक मामला है, ऐसा कभी भी अरविंद ने मुझे नहीं कहा। और एक जब पंजाब का चुनाव होने लगा तो उन्होंने जांच का विषय तो वहां भी बनता ना जो कुमार विश्वास ने कहा था। तिलक जी वो वीडियो भी आपने देखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीठा मीठा अगर कुमार विश्वास सच बोल रहे थे, चुनाव हो रहा था तब कुमार विश्वास, अगर सत्यपाल सच बोल रहे तो फिर कुमार विश्वास सच बोल रहे होंगे। उस व्यक्ति को मत जोड़िए, सर क्यों ना जोड़ो, मतलब जो आपको झूठ करेगा मैं उसको जोड़ दूं? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ सर, आपके आपके जो व्यूवर्स है सच जानना चाहते हैं, वही कुमार विश्वास है। जब पत्रकारों ने पूछा था क्या जो आपने कहा वो सही, कहने नहीं, ये राजनीतिक हो सकता है, मगर कभी भी अरविंद ने मुझे ऐसा नहीं कहा। और जब पंजाब चुनाव हुआ तो उन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। सत्यपाल मलिक जी जब राज्यपाल थे तब भी जब देश में काला कानून, तीन काले कानून किसानों के खिलाफ थोपे जा रहे थे, तब सत्यपाल मलिक जी ने तब राज्यपाल से तब भी उन्होंने चेताया था कि जो किसान सिख है उनसे मुकाबला मत करो। पवन जी, नरेंद्र मोदी पवन जी, एक मिनट, पवन जी कहा था वो, पवन जी देखिए एक मिनट, जो विषय मैं उसी पर हूँ जो बात आप देश के गृह मंत्री ने कही, एक मिनट मैं उसी बात पर हूँ। पवन जी आप ये कह रहे हैं कि भैया 5 हवाई जहाज की मांग की गई थी, ठीक, नहीं मिले, 40 जवान शहीद हो गए, ठीक। आप एक बात बताइए, इस पूरे विषय को लेकर आप कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं। अब अगर वो सच बोल रहे हैं तो जब आप पद पर थे तब आपने ये बात क्यों नहीं कही? पहली बात, जब पद से हट गए तब आप ये बात कह रहे हैं। मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं, जैसे मैंने कुमार विश्वास का जिक्र किया तो प्रीतपाल जी पलट गए, कह रहे कि नहीं कुमार विश्वास वाला मामला अलग है, यह मामला अलग है। अगर यही बात जो आप सत्यपाल मलिक के मामले में कहने की सच है तो फिर यही पैमाना गुलाम नबी आजाद के मामले में भी होगा। वो सच बोल रहे थे राहुल गांधी को लेकर, बोलिए। बोल दिया जी, तिलक भाई थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, प्लीज थोड़ा सा प्लीज। देखिए प्रीतपाल सिंह या पवन दीक्षित या राकेश सिंह भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के रूप में एकदम ऑफिशियली कोई चीज कह रहे हैं, ये कोई राजनीतिक समीक्षक का कंबल ओढ़ करके भाजपा की बातें नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आप छोड़ दीजिए, सत्यपाल सिंह एक गवर्नर थे, एक संवैधानिक पद पर थे जी। 2020 में गोवा में स्कैम हो रहा था, रिश्वतखोरी हो रही थी, उन्होंने बोला, ऑफिशियल है ये, उनको मेघालय भेज दिया गया। कश्मीर के टाइम की बात आई, उन्होंने रिलायंस कंपनी का नाम ले लूंगा, एक मेडिक्लेम के लिए जो केसेस हुआ और एक 2200 करोड़ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो केस आया, उन्होंने बोला, ये भी ऑफिशियल न्यूज में है सारी चीजें। मोदी जी से भी बोला, पुलवामा के लिए उन्होंने सारी बात कही। देखिए एक संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने सीनियर अथॉरिटीज को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से ही बोलेगा, वो उस वक्त में वहां पर वो बातें अपनी स्टेट में तो जहां पर वो है वो नहीं ऑफिशियली बोल सकते, पहली चीज। उनके पास रिकॉर्ड होगा ना, आप कह रहे संवैधानिक पद पर कोई तो रिकॉर्ड होगा। हाँ, एक मिनट, मेरे पास है ना जी, ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड होगा, वो संवैधानिक पद पर है, राज्यपाल थे 9 अक्टूबर। देखे ये है पूरा, इन्होंने स्कैम का अलग अलग उठाया, अप्रैल 2022 में एक केस हो जाता, एक साल पहले तो एक केस हुआ है, उससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2021 में, इसमें है मलिक साहब ने गोवा के लिए बात उठाई, उससे पुलवामा के बारे में उन्होंने बात उठाई। देखिए सब गूगल पे है, अभी दिखेगा नहीं आपको क्योंकि स्क्रीन लाइट आ रही है सामने, ये ऑलरेडी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप हिंदुस्तान टाइम्स, आप मुझसे ये कह, अच्छा मुझसे आप मुझसे ये कह रहे हैं कि सत्यपाल, एक मिनट, सत्यपाल मलिक किसी भी कीमत पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप मुझसे ये कह रहे हैं? बात देखिए राजनीतिक रूप से मैं इन चीजों को भविष्य की चीजों में नहीं जा रहा। देखिए सबसे बड़ी बात ये हमारे नहीं, तो उसी से लिंक है ना वो, आप राजनीतिक संभावनाएं ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस में,
मेरी दो मिनट आप बात सुन लीजिए, क्या राहुल जी कोई बात बोल रहे हैं? जेपीसी की मांग उठाई गई, पूरे विपक्ष ने उठाई, चाहे सतपाल जी बोल रहे हैं, अरे आप उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आप जब वो संवैधानिक पद पे थे आपने क्या किया? वो ऑफिशियली तो स्टेटमेंट होंगे आपके पास में, ऑफिशियल मिनट्स तो होंगी। मनीष गुप्ता जी, क्या कांग्रेस आप क्या चीजें कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी सत्यपाल के कंधों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज मलिक साहब की जाग गई, हेमंत बिस्व शर्मा की भी जागी थी ऐसे ही, या ज्योतिराव सिंधे की भी जागी थी ऐसे ही, गुलाम नबी आजाद की भी जागी थी। हाँ, बंदे का खेल है ना, कोटी साहेब, कोटी और गुलाम, ये कोटी का गेम बहुत बड़ा है दोस्त। ये राजनीतिक रूप से लाल दीवारों पर लगा, जल्दी से फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। ओके, एक मिनट, आपने सवाल उठाया मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, सत्यपाल मलिक के कंधे का इस्तेमाल। मैं इसको कहने से पहले एक मिनट ये बात बोलना चाहूंगा कि हम गुलाम नबी आजाद और सत्यपाल मलिक का बड़ा ठीक कंपेरिजन कर रहे हैं, लगभग दोनों ही 75 साल के हैं और दोनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सत्यपाल मलिक ने 5 साल लगभग गवर्नर का पद संभाला, जिसमें 3-4 पद रहे उनके पास, 3-4 स्टेट रहे, और वहीं गुलाम नबी आजाद 1980 से, यानी अपने जब वो 20 वर्ष के थे तब से नेशनल यूथ का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 1980 से अब तक लगातार सांसद है। राजनीतिक इच्छाएं उनकी भी है, वो 40-45-50 साल एक पार्टी के साथ जुड़े रहे, तमाम बार मंत्री रहे, संवैधानिक पद रहे और जाने क्या क्या रहे। वहीं सत्यपाल मलिक भी कई पार्टियां बदलते रहे, कांग्रेस में रहे, राष्ट्रीय क्रांति दल में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, है ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे लगता है चुनावों की रही होगी, क्योंकि लास्ट चुनाव में हार गए थे मेरठ से। तो ऐसे में इन्हें लगा कि जब मेरे को राज्यपाल बना के वापस छोटी जगह भेज दिया, मेघालय भेज दिया, यानी इनको पनिशमेंट दे दी संभाव, मुझे लगता है भाजपा ने इनके साथ अन्याय कर दिया। इनको चुनाव लड़के मंत्री बनना था, इनको कोने में आपने नॉर्थ ईस्ट पर डाल दिया, तो इनकी राजनीतिक महत्व कहां से जागी? बस इस तरीके से उन्होंने कहा तो मेरे ख्याल से ये बात बड़ी लॉजिकल है। और साथ ही साथ कुमार विश्वास का भी यह कंपेरिजन आपने बहुत ही वैलिड किया, मुझे लगता है शीतपाल जी आपकी बात को या तो समझ नहीं पाए, ये जवाब देने का उनका मन नहीं था, लेकिन इन तीनों ही कंपेरिजन में तीनों ही पार्टियों के और भाजपा के भी चेहरे साफ दिखते हैं कि अगर आपका नेता, ऐसे में पार्टी की बड़ी परेशानी है, मानो पार्टी क्या किया क्या नहीं किया ये बड़ी परेशानी, मानो जो बंदा पार्टी से गया वो उनकी पार्टी की बुराई करने लगेगा। अब चूंकि उन्होंने पार्टी में कोई बड़ा काम नहीं किया था, उनके पास सिर्फ वो ठीक प्रीतपाल जी जवाब दे रहे हैं, जल्दी से फिर राकेश जी आपके पास, प्रीतपाल जी जवाब दीजिए, जो मनीष जी बात कर रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा, ये अभी सभी की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी उसको सामने रख रहे थे, क्या ये बताना चाहेंगे जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जब नरेंद्र मोदी जी ट्रेन में चाय बेचा करते थे तब इनकी उम्र कितनी थी, बताएंगे सर? सर ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है प्रीतपाल? सवाल ऐसा इसलिए है, लॉजिकल बात करने वाले आप कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों की उम्र राकेश जी का ऑडियो आप ये बताइए, सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा और जिस समय पुलवामा में एक कांड हुआ था, देश के 40 जवानों की हत्या, तो नरेंद्र मोदी जी कहां थे? नरेंद्र मोदी जी एक चैनल पे अपनी मूवी बनवा रहे थे, सर। वो आए तब जब जवान हमारे तिरंगे में लपेट के आ चुके थे। ये देश के ऊपर बहुत बड़ा है, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि देश के जवान जिनकी हत्याएं हो जाती है उनको वो चुनाव में उठाते हैं, मगर राकेश जी, राकेश जी, जिनकी हत्या हुई थी तब राकेश जी, ओके राकेश जी, देखिए जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं और जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, और बात लेकिन इनकी बात पर लोग भरोसा इसलिए नहीं करते हैं ना कि जैसे शीतपाल जी ने कहा, भैया दिल्ली में सरकार 3 बार बनी, नरेंद्र मोदी अपना पर्चा ले लेके घर पे गए, अमित शाह पर्चा ले लेके घर पे गए, पंजाब में सरकार बनी, दोनों पर्चा ले लेके घर पे गए, लोगों ने लगा 15 साल का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी था
उसने भी समय खत्म किया। गुजरात के भीतर 5 विधायक हमारे आए, 40 लाख वोट लेके आए, 27 हमारे यहाँ पार्षद है। प्रीतपाल जी को आपके वक्त में नहीं बोलेगा। प्रीतपाल जी देखिए, अगर आप शोर मचाएंगे तो सर कुछ नहीं हो पाएगा। प्रीतपाल जी में सरकार क्यों बना रहे होते? 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, आज देश में राज कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी मुझे मजबूरन ऑडियो फिर नीचे करना पड़ेगा। आप पत्रकार हो, एक मिनट प्रीतपाल जी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। नहीं नहीं, वो चापलूसी वाली बातें कर रहे हैं सर। अभी ये कौन सी बात है? अभी आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाएंगे फिर मैं क्या कर सकूंगा? केजरीवाल की जितनी बुराई करनी है करे, ऐसा नहीं होता ना सर। बुराई करनी है करे, मगर निष्पक्ष बात करे। नहीं, अभी आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? ना जो केजरीवाल की निष्पक्ष बोल रही है, नीचे सबका राकेश जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। राकेश जी देखिए, सवाल इसलिए भरोसा नहीं होता है कि यही शिवपाल जी था वो पीछे चले जाए। आपके आप लॉ मिनिस्टर थे, केजरीवाल के लॉ मिनिस्टर थे तोमर। तोमर के बारे में केजरीवाल ने कहा कि मैंने डिग्री देख ली है, ये डिग्री एकदम सही है, अंत में इस्तीफा देना पड़ा। तीन आरोप लगाए, तीन आरोप जेटली जी, गडकरी जी, मजीठिया जी, तीनों में हुजूर माफ कर दीजिए। इसलिए शिवपाल अपने नेताओं को जाकर बताइए कि आप झूठ बोलते हैं और हमको जाके सफाई देनी पड़ती है। आप जब जो आज पे नेता जब झूठ बोलेंगे तो आपके पर भरोसा कोई नहीं करेगा। आज जब झूठ बोल रही है, आप बताइए तोमर के बारे में कहा था कि नहीं कहा था? जेल 1 साल से जेल में है, अदालत जमानत नहीं दे रही है। सिसोदिया जेल में है, अदालत जमानत नहीं दे रही है। तो आप जब झूठ बोलेंगे, आप फर्जी आरोप लगाएंगे, इन सबको चुनावी ने देश में महंगाई खत्म कर दी। क्या पेट्रोल के दाम आधे हो गए? रामदेव जी कहा करते थे कि पेट्रोल जो है 30 रुपए लीटर मिला था। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप लीटर पेट्रोल मिल रहा है, विषय कुछ और है। आप कह रहे हो पेट्रोल के दाम कम हो गए, महंगाई चीज महंगी, सब चीज बेच रहे हो। आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता। आपके मंत्री की बात मुझे समझ में नहीं आई। आप लोगों ने संसद बना दिया क्या? एक मिनट सर, संसद ऐसी बातें हो रही है सर, जिसके हाथ में जो निष्पक्ष है चौथा स्तंभ है। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, ये बड़ी दिक्कत है सर। आप लोगों के पक्ष में सवाल, आप हर वक्त पक्ष और विपक्ष को देखते हैं। एक मिनट रुकिए ना, उंगली उठा रहे, अरे उंगली उठा, एक मिनट प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी प्लीज, एक मिनट मैं राकेश जी से, मैं आपके सामने, एक मिनट। आप विषय उठा रहे बार बार, जब देश के गृह मंत्री सफाई दे रहे उस पूरे विषय को लेकर, कम से कम उन पर जवाब तो ले लीजिए। गृह मंत्री है, जब सबरीमला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। प्रीतपाल जी, तब अमित शाह ने क्या कहा था? प्रीतपाल जी एक मिनट रुकेंगे सर। प्रीतपाल जी, या तो आप चिल्लाते रहिए, आपने सवाल उठाया, कम से कम जवाब तो ले लीजिए ना। एक मिनट रुकिए, पूरे देश में अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ राकेश जी का ऑडियो रहेगा। प्लीज राकेश जी, पूरी अपनी बात नहीं रख पाते, आप लोग शोर मचाने लगते हैं सर। एक मिनट राकेश जी, पूरे देश में सत्यपाल मलिक को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ठीक, उन्होंने सच कहा या झूठ कहा, झूठ कहा या सच कहा, अभी उस विषय में मैं नहीं जा रहा। मेरे कुछ सवाल हैं इस पूरे विषय को लेकर, और ये देश के जहन में भी होंगे कुछ ऐसे सवाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद खड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला सवाल, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? ये जांच एजेंसियां बताएंगी ना। राकेश जी के पास जो जांच है, अब मैं सीधे सत्यपाल मलिक बयान पर ही जोड़ता हूं ना। सत्यपाल मलिक को आज अंतरात्मा के जो गृहमंत्री जी ने कहा, आज क्यों वही जिम्मेदार है? वो खुद थे जिस कार्रवाई पे हमला हुआ स्कॉर्पियो, यानी पुलवामा मामले की जांच को लेकर अभी तक कोई आपके पास अपडेट नहीं है? मेरे पास नहीं है, लेकिन जांच हुई ना, उस पर सवाल। मेरा दूसरा सवाल आपसे, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि जैसे ही उन्होंने बयान दिया, सीबीआई का संबंध आ गया, क्यों? नहीं, सीबीआई का संबंध इस पर नहीं आया। हाँ, उन्होंने एक आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार पर। जब भ्रष्टाचार पर आरोप लगाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज आज ही की घटना है, अभी की, तो बैठ गए हैं सीबीआई ने गिरफ्तार, लेकिन अब उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा किसने पैसा दिया, किसने ऑफर किया, क्या किया। ठीक, अगर आप ठीक
इससे मतलब क्योंकि इंटरव्यू देने के पांच दिन के बाद ही ये पूरा संबंध जारी हुआ, मैं इसलिए पूछ रहा था आप। अरे मैं कह रहा हूँ इसके पहले से जब इन्वॉल्व था उसी समय नोटिस ले लिया था। अच्छा, होता क्या है कि जब आप तत्कालिक मुद्दा पर आते हैं तो आपको समझ में आता नहीं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल राकेश जी, तीसरा सवाल, वो अगर सत्यपाल मलिक असत्य बोल रहे हैं तो वो अभी तक बीजेपी में क्यों है? वो बीजेपी में नहीं, राज्यपाल रहने के बाद बीजेपी में शीर्ष पाव की ताली बजा रहे हैं। राज्यपाल रहने के बाद बीजेपी में नहीं रह काफी लग गई, अब तो वो राज्यपाल नहीं है ना, राज्यपाल भी नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है। राज्यपाल बनते ही पार्टी से किसी भी राजनीतिक दल से आप संबंध नहीं रख सकते, ये सामान्य सी बात। आपसे मेरा चौथा सवाल इस पूरे मामले पर, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आपने उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं किया? ये व्यवस्था के तहत, मैंने इसका सवाल, ये सवाल आप पूछ चुके हैं, व्यवस्था के तहत सब कार्रवाई होगी। कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का अगर चली गई अदालत से उनकी सदस्यता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए कानून अलग बना दिया जाए, उनके लिए अलग बना दिया जाए। आखिरी पांचवा सवाल आपसे, आपसे पांचवा सवाल इस पूरे विषय को लेकर, नोटबंदी, पेगासस, राफेल, अडानी, किसी भी मामले को लेकर आप जांच के लिए तैयार नहीं है क्यों? और अब ये मामला किस किस मामले, किस मामले में शीर्ष पाल जी पता नहीं है, कुछ हाथ उंगली दिखा रहे हैं, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं, राफेल पे गए सुप्रीम कोर्ट, तिलक जी क्या हुआ, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट गए क्या हुआ, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब मैं सिर्फ 10-10 सेकंड दे पाऊंगा, आप लोगों ने सबने अपनी बात को रखा अपनी, आप एक मिनट, आप पवन जी देखिए, पवन जी गुस्सा मत होइए, आप लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, बहुत देर से राकेश जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, मेरे को मजबूरन ऑडियो सबका नीचे करना पड़ा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि म्यूट कर दिया, ठीक सर, क्योंकि आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे थे, अपनी बात रखने नहीं दे रहे थे। पवन जी आप लोग ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सत्यपाल मलिक को लेकर अगर इतनी ज्यादा चिंता है आपको या फिर बंगला खाली करने का मसला है तो फिर आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, कोर्ट भी तो है। नहीं देखिए, यही बात मैंने अभी ये बात, जब मेरी आवाज म्यूट थी या खुली हुई थी, संसद को खत्म कर दीजिए, एक संसद सदस्य का, एक पार्लियामेंट्री बॉडी का क्या काम होता है, जेपीसी एक सबसे बड़ी चीज होती है तिलक भाई, ये आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इन चीजों को, कोर्ट में जाने का मसला एक अलावा, जेपीसी में इंक्वायरी होगी, अगर अगर आप ना पवन जी फिर आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे समझा रहे हैं, आप शरद पवार जी को क्यों नहीं समझाते हो ये बात जी, पवन जी बात आप सुन लीजिए, आप ऐसे तो आपका भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझाते हैं आप, ये क्या विपक्ष में दोहरा सर, आप मुझे समझा रहे हैं, पूरी बात आप बोलेंगे, आप लोग शरद पवार जी ने क्या बोला सर, नहीं 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 सर पूरी बात कहिए, शरद पवार जी ने क्या बोला, खाता ना वही जो पवन जी बोले वही सही, इसकी मांग को मेरी सुन लीजिए भैया, यार शरद पवार जी का पूरी बात को बोला, आधा हाथ तो नीचे रखा हो ना दूसरा वाला भी, शरद पवार जी ने जो पहली बार दूसरी क्या बात बोली तो बता दीजिए भैया, सर सर ये काम कटने कटाने वाला मेरा नहीं है, भाव उनका वही था, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, इसी कोर्ट ने इंदिरा गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया ना, पीवी नरसिम्हा राव को भी खड़ा किया कटघरे में, और जिन पर आप नहीं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कानून सबके लिए बराबर है, वो तिलक चावला के लिए भी, राकेश जी के लिए भी, और पवन दीक्षित के लिए भी है ना सर, और प्रीतपाल जी के लिए भी और मनीष जी के लिए भी, कोर्ट जाइए सबसे अच्छा रास्ता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, राकेश जी आपका भी और प्रीतपाल जी आपका भी। सच क्या झूठ क्या ये जनता जानती है, सत्ता में रहकर आप तब मुंह नहीं खोलते लेकिन सत्ता जाने के बाद फिर इतना हंगामा क्यों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।